एओडी तो पढ़ लिया है लेकिन अभी भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चंस पे ग्रिप नहीं आ रही। इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू मास्टर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ग्रीटिंग्स ऑल, हाय आई एम शिवाल कथे, एन आईटी दिल्ली ग्रेड विद ओवर 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टू आईटीजी मैथमेटिक्स एंड अ मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वेलकम टू हाउ टू मास्टर सीरीज। दिस सीरीज इज मेंट फॉर दोज आईटीजी एस्पिरेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट कनेक्टिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द आइडियाज यूजिंग अ माइंड मैप। देन वी मूव ऑन टू द की कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है। देन वी सी द एरियाज जिन पे आईटीजी क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर। एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। एप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के हम देखें तो चार पार्ट्स हो सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट मोनोटोनिसिटी का कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज नथिंग बट मैक्सिमा एंड मिनिमा, थर्ड इज नथिंग बट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और एक फोर्थ हम मिसलेनियस टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं जैसे अप्रोक्सीमेशन एंड डेट ऑफ मेजरमेंट। वी स्टार्ट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स विद अ डिस्कशन ऑन बेसिक्स। तो बेसिक्स में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हाउ अ डेरिवेटिव इज लिंक्ड टू टेंजेंट, मिथ्स क्या होती है टेंजेंट के बारे में। देन वी मूव अवर डिस्कशन टुवर्ड्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की को कैसे लिखेंगे, अगर उसके इंटरसेप्ट्स निकालने पड़े एक्सिस पे तो वो कैसे हम निकालेंगे, और अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से हमें टेंजेंट की इक्वेशन को लिखने को बोले तो हम कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देन हमारे अगर पास अगर दो कर्व हैं और वो कर्व अगर इंटरसेक्ट करें, अगर टच करें, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देन इन द एंड वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ट्रिक टू मास्टर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स लाइज इन अंडरस्टैंडिंग 3 बेसिक डिफरेंट फैक्ट्स। पहला, बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की इक्वेशन लिखना आता है तो आप इस चैप्टर के ही नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉनिक सेक्शंस के क्वेश्चन भी इस टॉपिक का यूज करके कर सकते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं तो कितने केसेस बनेंगे और उन केसेस के अंदर हम एंगल, कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से अगर मुझे टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो अगर आप इन तीन एरियाज को समझते हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं तो आपकी इस चैप्टर पर बहुत ही अच्छी ग्रिप आ जाएगी, उसके क्वेश्चंस आप हमेशा सही करेंगे। आईटीजेई एओडी एज अ होल चैप्टर के अंदर से दो सवाल मेंस में और दो सवाल एडवांस में लगभग हर साल पूछता है, तो इस चैप्टर को मास्टर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बुक फॉर कैलकुलस आर सैंडगेज कैलकुलस एंड टीएमएच कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ना ये बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट बुक इज मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको बहुत ही लीनियरली प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन भी उनको धीरे धीरे करके टफ करना है। सेकेंड बुक इज रेफर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि मैं जल्दी से करूं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे पॉन्स ऑन कर जाऊं, तो इसका जो लर्निंग कर्व है सेकेंड बुक का थोड़ा सा स्टीप है, तो आप अपने एबिलिटी के हिसाब से बुक को चूज करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। एंड थर्ड फॉर स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू सी और चेक बेसिक कॉन्सेप्ट, सो आई ए मैरॉन इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर लर्निंग बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। सो एट प्राइबी वी हैव डेवलप्ड दिस फ्री वीडियो रिसोर्स, अ क्यूरेटेड कंटेंट फ्रॉम YouTube। YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशियंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इसे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री वन ऑन वन डाउट सेशन और मेंटरशिप सेशन एट www.pragvi.com एंड गेट कनेक्टेड विद अस। द फर्स्ट सेशन इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू गाइस। थैंक यू।